गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजेंद्र कुमार, मैथ टीचर फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। टुडे आवर नाइन्थ क्लास टॉपिक इज सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स आर प्लेस एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है? सभी पॉइंटों का कलेक्शन है और ये सभी पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो पार्ट है ये सर्कल की क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। तो ये आपके पास क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सभी पॉइंटों का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। नाउ द पार्ट ऑफ सर्कल। पार्ट ऑफ सर्कल, उसमें पहला आपका पार्ट आता है रेडियस। रेडियस, व्हाट इज रेडियस? ये हमारी सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से और जब हम इस फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करते हैं देन इट इज कॉल्ड रेडियस। सो रेडियस की डेफिनेशन क्या हो गई? रेडियस इज ए व्हेन वी ज्वाइन ए पॉइंट विच आर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट देन द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। तो क्या कहलाएगा? रेडियस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोर्ट। व्हाट इज कोर्ट? व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट विच आर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस। जब हम किसी दो पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कोर्ट। ठीक है, क्या कहलाता है वो? कोर्ट। द बिगेस्ट कोर्ट, द बिगेस्ट कोर्ट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिगेस्ट कोर्ड है वो क्या कहलाता है? डायमीटर। ठीक, तो थर्ड आपका जो पार्ट हो जाएगा वो होगा डायमीटर। तो डायमीटर आपका क्या कहलाएगा? द बिगेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर को किससे डिनोट करेंगे? डी से। डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन बनेगा? डी इज इक्वल टू होगा टू मल्टीप्लाई आर। ठीक है, और यहां से अगर आप आर को फाइंड करेंगे तो आर इज इक्वल टू होगा डी बाई टू। ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि डायमीटर इज इक्वल टू टू आर एंड आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेक्टर। सेक्टर एंड इसका सिमिलर इसी टाइप का आपका मिलेगा सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट क्या है इसको देखिए। सेक्टर इज द रीजन ऑफ द सर्कल। सेक्टर सर्कल का वो रीजन है, वो पार्ट है विच आर लाइज बिटवीन टू रेडियस एंड द आर्क। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्कल की कोई दो रेडियस लेते हैं, ठीक, ए बी। अब
तो ए और बी ये दो रेडियस है, इसके बीच में ये जो रीजन है इन दो टू रेडियस एंड ये आर्क के बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। एंड द रीजन बिटवीन ए कोर्ड एंड द आर्क, ए बी ए कोर्ड है और ये आपकी आर्क है, इस कोर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? सेगमेंट। सो इट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब आपके पास मेनली इसका क्या बन गया है, ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर प्लेस ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड द पार्ट ऑफ द सर्कल्स रेडियस लाइन सेगमेंट व्हेन वी ड्राइंग ए पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल टू फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड रेडियस एंड वी डिनोट बाय आर। नेक्स्ट कोर्ड, द कोर्ड इज ए लाइन सेगमेंट व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स, ए लाइन सेगमेंट जिसमें हम सर्कमफ्रेंस के ऊपर किन्हीं टू पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन है वो आपकी क्या कहलाएगी? कोर्ड। द बिगेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, सर्कल की जो बिगेस्ट कोर्ड है वो क्या कहलाएगी? डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई आर इन टू मल्टीप्लाई रेडियस एंड आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। नेक्स्ट आवर टू पार्ट आर सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। सो इस सर्कल के अंदर हमारे पास दो सेक्टर बनेंगे, एक तो माइनर एक मेजर, दैट इज कॉल्ड माइनर, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर माइनर सेक्टर एंड दैट इज कॉल्ड मेजर मेजर सेक्टर। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारा क्या होगा? सेगमेंट। ए रीजन बिटवीन ए कोर्ड एंड ए आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट भी हमारे पास टू टाइप का होगा, एक तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ सर्कल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।